दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर ले और पाए दुनिया भर की रोचक खबरें फटाफट। थैंक यू। 1 जनवरी को बंद हो जाएगा आपका एटीएम कार्ड। अगर आपके पास बैंक का एटीएम कार्ड है तो यह खबर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि वह 1 जनवरी से काम ना करे। बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक PSB ने अपने सभी ग्राहकों से कहा है कि अगर वह प्रोप्रिएटरी मैग्नेटिक स्ट्रिप आधारित पुराने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसे तुरंत बैंक जाकर उसे बदलवा लें। बैंक ने कह है कि वह 1 जनवरी से इस तकनीक पर आधारित सभी एटीएम कार्डों को ब्लॉक करने जा रहा है। जिन PSB ग्राहकों के पास अब भी पुराने एटीएम कार्ड हैं, उन्हें बैंक जाकर नई तकनीक यानी EVM चिप पर आधारित कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। बैंक के मुताबिक नए कार्ड को किसी भी बैंक की एटीएम मशीन या पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। गौरतलब है कि स्टेट बैंक सहित कई दूसरे बड़े बैंक मैग्नेटिक स्ट्रिप आधारित पुराने एटीएम कार्डों को पहले ही बंद कर चुके हैं। लाइक, कॉमेंट, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़।